नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए नगर परिषद का स्वच्छता अमला जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान पूरी मुस्तैदी से काम करता नजर आया था। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन स्वच्छता कर्मी पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन इसके साथ ही साथ अब नगर परिषद की लापरवाही भी नजर आने लगी है। सोशल डिस्टेंस और शहर को स्वच्छ रखने के निर्देशों का मजाक बनता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद के गेट पर सफाई कर्मियों को अलग अलग वार्ड में सैनिटाइजर का छिड़काव का निर्देश दिया जा रहा था, जिसमें सफाई कर्मियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिस दौरान लोग एक दूसरे के काफी पास नजर आए। वहीं नगर पालिका में तैनात अधिकारी भी खुद उस गेट पर ही खड़े थे। इस दौरान भीड़ में मौजूद कई लोग मास्क लगाए हुए थे, कुछ लोग नहीं भी लगाए हुए थे। वहीं नगर पालिका के द्वारा भी ऐसी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई थी, जिससे लगे कि वो भीड़ में मौजूद लोगों को लेकर चिंतित है। ना ही वे उनके हाथों को सैनिटाइज करवा रही है, ना ही गोले खाने बनाए हुए हैं जिससे कि लोग खाने के अनुसार आए और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसको छिड़कना है। कहाँ छिड़कना है, क्या छिड़कना है, कुछ पता है? वार्ड में छिड़कना है। मतलब कैसे, घर में कि रोड पे, कहाँ पे? घर में, मोहल्ले में, खिड़की दरवाजे पर। नहीं पता है, सिर्फ आपको मिल गया है? अरे मिला के बाद कौन सा घर पर ले जाओ, दे दीजिए। दे दीजिए, आपको नहीं करना है क्या वहाँ पे? करना है तो बताएंगे तब ना, कहाँ छिड़केंगे, हम लोग क्या जानते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे। इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हर तरफ सफाई की जा रही है, साथ ही साथ छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे कि इस महामारी से बचा जा सके। लेकिन अब ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। जब शहर को स्वच्छ रखने वाले कर्मी ही शहर के सड़कों पर कचरा फैलाने लगे, तो फिर किससे स्वच्छ रखने की उम्मीद की जाए। बता दें कि शहर से कूड़े कचरे उठाने वाली गाड़ी बवनिया मोड़ से लेकर अस्पताल रोड तक कचरा फैलाते हुए नजर आई, जिससे ऐसा मालूम जान पड़ता है कि जैसे वे सरकार के निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, या नगर परिषद के अधिकारी और कर्मी इसी तरह लापरवाह रहेंगे। नगर परिषद की गाड़ी है, ऐसे ही कचरा गिरेगा, पूरा गंदा कीजिएगा, नहीं बांधिएगा। खुल गया, ठीक है, गीला माल है, निकलाया डालक खुल गया, इसलिए सारा रोड में गया ना चलिएगा। क्या लगता है किसकी कमी है, किसकी कमी है ये? कमी किसी को नहीं है, गीला माल है, नाला जाम था, निकाला मिट्टी। व्यवस्था नहीं दिया गया नगर परिषद द्वारा? क्या व्यवस्था? कि कचरा को ढाक के या कैसे किस तरह से ले जाए, ढकाता ही है। रोड पे पूरा गिरेगा, इससे कोई सफाई नहीं होगा। गिरेगा किस तरह, डाला खुला हुआ है, घुस गया है डाला, माल गीला है, ऐसे ही गिरते चलेगा। एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री टेन किड्स स्कूल में, क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। सीसीटीवी युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री टीन किड स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे शिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे, ताकि प्री टीन किड स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन शिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री टेन किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 6299582।